डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ड्यूरिंग लाइब्रेरी सब्स्टिट्यूट पीरियड मींस क्लास 10 डी हैव सब्स्टिट्यूट पीरियड इन लाइब्रेरी। So during this substituted period, we will have skit on fundamental right. Such activity is planned by library to raise the awareness among students. So are you ready? Yes, ma'am. Class 9C is going to present few fundamental right and class 9D will present few rights. So over to class 9C. क्यों, अब क्या कर दिया उसने? वो दूसरे धर्म के प्रति काफी रुचि दिखा रहा है, और तो और वो दूसरे धर्म के धार्मिक किताबें भी पढ़ने लगा है। क्या, कहाँ है वो? रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म के खिलाफ जाने? ऐसे दूसरे धर्मों के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा। चुप हो जाओ। हमारे पूर्वज सदियों से इस धर्म का पालन करते आ रहे हैं, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस विरासत को जारी रखो। मेरा परिवार मेरे धर्म के प्रति रूढ़िवादी सोच रखता है, मैं सिर्फ दूसरे धर्मों के बारे में जानना चाहता हूँ, पर वैसे मुझे करने नहीं। मैं समझ सकती हूँ, पर अभी तुम केवल 16 साल के हो, तुम्हें और 2 साल इंतजार करना होगा। 2 साल? 2 साल बाद क्या हो? 2 साल बाद तुम 18 साल के हो जाओगे और तुम्हें अपना धर्म चुनने का अधिकार मिल जाएगा। हाँ, हमारे संविधान के अनुसार 18 या 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म बिना किसी से पूछे या अनुमति लिए चुन सकता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब हम आपके समक्ष गवेश और पायस निकाली गई अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित एक भूमिका जीवन घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब्दुल और रामधारा शास्त्री कक्षा में एक साल बैठे, वह दोनों ही अलग अलग धार्मिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमियों से संबंधित थे। रामानदा एक ठेठ रूढ़ीवादी हिंदू परिवार से थे, जबकि अब्दुल एक मुस्लिम परिवार से। सुप्रभात मैडम, तुम दोनों साथ में क्यों बैठे हो? जाओ जाके बीच बैठो। मगर क्यों गुरुजी? हमने कुछ गलती की। सवाल लड़ाना बंद करो, तुम्हें नहीं पता इस समाज में एक मुस्लिम और हिंदू साथ में नहीं बैठ सकते? जाओ जाके बीच बैठो। तो मुझे आशा है कि हमारा मकसद आप सभी तक पहुंच गया है। हमारे संविधान के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।